अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरफिन और आप देख रहे हैं आरफिन टेक यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल का लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने चैनल की प्रोफाइल पिक्चर कैसे बना सकते हैं, लोगो कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी मैथड मैं आपको बताऊंगा, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वीडियो देख रहे हैं, 90% प्लस जो लोग हैं वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। आपने मेहनत का फल हमें ऐसे देना है कि एक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। इस चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके आपने जो है इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और कमेंट भी कर देना है। तो दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियोज़ में सबसे पहले मैंने आपको बताया चैनल कैसे बनाते हैं, दूसरी वीडियोज़ में मैंने बताया था कि चैनल आर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने अगर चैनल आर्ट क्रिएट करना है तो आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल का लोगो कैसे बना सकते हैं। सो सिंपली आपने जो है इधर से पिक्सल लैब ओपन करना, अपना पिक्सल लैब इधर से ओपन कर लेता हूं, आपने भी पिक्सल लैब जो है वो अपना ओपन कर लेना। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें। सो सिंपली आपने इधर कैंसिल के बटन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट को आपने डिलीट कर देना है और इसको थ्री डॉट्स पर क्लिक करके आपने इमेज साइज़ पर क्लिक करना है और इधर साइज़ लगाना है आपने 800 800x800 का आपने साइज़ लगाना है। ओके पर क्लिक करना है आपने, कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब इधर से आपने अपनी जो भी कलर का लोगो बनाना है उसका जो अपने प्रोफाइल पिक्चर बनानी है लोगो उसका जो आपने इधर से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। आपने इधर से बैकग्राउंड का कलर जो भी आप रखना चाहें वो सिलेक्ट कर लें। मैं इधर से बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ, इधर से मैं बैकग्राउंड का कलर ये रख लेता हूँ। सो सिंपली बैकग्राउंड का कलर मैंने ये रख लिया। इसके बाद आपने करना है क्या है, सिंपली टेक्स्ट में आ जाना है। टेक्स्ट में आने के बाद आपने करना क्या है, सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक करना है। इधर से मैंने जो चैनल अपने चैनल का आपने इधर नाम दे देना है, आरफिन क्यू। सो दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नेम दे दिया है। इधर से मैं अपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद आपने इसे इसका फाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, साइज़ आपने एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपने इसका फाउंट सिलेक्ट कर लेना है, मैं इसका फाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं ये वाला फाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपने भी फाउंट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है आपने इसका शेडो जो है वो इनेबल कर लेनी है। शेडो इनेबल करने के बाद जो है आपने इसकी शेडो जितनी भी रखनी है आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक भी अगर आप इनेबल करना चाहें तो वो भी आप इनेबल कर लें, आपने कुछ इस तरह से इनेबल कर लेनी है। मैं जो है इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दूंगा, आपने कलर भी सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने जो है 3D टेक्स्ट पर क्लिक करना है और कुछ आपने थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट कर लेनी है इधर से। दोस्तों, इधर से आपने सारी एडजस्टमेंट कर लेनी है, इसको मैं 0 ही रहने देता हूँ। तो दोस्तों, इसको भी थोड़ी सी लाइट्स को आपने एडजस्ट कर लेना है, इसको थोड़ा सा मैं रिसाइज भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। इसके बाद आपने ओके का बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप लोग इधर से देख सकते हैं कलर मैंने जो है चेंज किया है, रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका स्ट्रोक जो है वो चेंज कर देता हूँ, इधर से मैं स्ट्रोक जो है मैं किसी और कलर का रख लेता हूँ, ब्लैक कलर का जो है इधर से स्ट्रोक रख लेता हूँ, स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों, स्ट्रोक को मैं जो है इसको 8 पॉइंट पर रख लूँगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा लोगो जो है वो बन गया है। इसको अब आपने करना क्या है, इसको सेव कर लेना है। सिंपली आपने सेव के बटन पर क्लिक करना है और इसको आपने सेव एज इमेज पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं इधर फॉर्मेट पर आपने जो है PNG सेलेक्ट कर लेना है। इधर क्लिक करके इसका कस्टम पर सिलेक्ट करके आपने इधर से जो है हाई पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद सेव टू गैलरी पर आपने क्लिक कर लेना है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा जो ये लोगो है ये बन गया है, कितने अच्छे से हमारा चैनल का जो है प्रोफाइल पिक्चर जो है वो बन चुकी है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया, बहुत ही इजी मेथड आपको मैंने बताया, मेरी मेहनत का फल ऐसे देना है। आप लोगों ने इस वीडियो के नीचे चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर देना है, प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर इनेबल कर देना, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें अगर वीडियो पसंद आई है तो। सो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।